और वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मुलाकात पर सियासत, पश्चिम बंगाल की तरह ही बिहार में भी एनडीए में खेला होने के कयास लगने लगे हैं। इन अटकलों को हवा बीते दिन तो आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने ही दी, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से मुलाकात करने पहुंचे। मांझी और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी बीजेपी को लेकर हमलावर हैं। वहीं इस मुलाकात के सियासी मायने क्या है, इसको लेकर हर दिन नए नए दावे सामने आ रहे हैं। विपक्ष से एनडीए में टूट बता रहा है। रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा। लालू के जन्मदिन पर बिहार में खेला, बंद कमरे में मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात। मांझी और तेज प्रताप की मुलाकात के बाद चढ़ा सियासी पारा। आरजेडी ने एनडीए को दी सरकार बचाने की चुनौती। मांझी तेज मुलाकात के बाद बदले बीजेपी के सुर। दलितों के सर्वमान्य नेता हैं जीतन राम, सुशील मोदी। बिहार में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। एनडीए नेताओं के आपस में उलझने और लालू यादव की जेल से बाहर आने की वजह से कयासों की हवा चल रही है। इन सब के बीच तेज प्रताप यादव हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे। लालू के जन्मदिन पर मुलाकात के सियासी मायने क्या, बदल रहे हैं एनडीए के समीकरण। लालू के जेल से बाहर आने के बाद बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। आपको बता दें कि इस समय बिहार की राजनीति का सबसे प्रमुख केंद्र हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं। कुछ दिनों से लगातार बीजेपी पर हमलावर और अलग अलग दलों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात बिहार की राजनीति में नए कयासों को जन्म दे रही है। वहीं सबके बीच मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि दोनों के बीच किस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई, लेकिन फिर भी कयासों का दौर जारी है। उन्हें कयासों के बीच आरजेडी ने एनडीए को खुली चुनौती दी कि वो अगर सरकार बचा सकते हैं तो बचा लें। इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक मंशा, शुरुआत पहले से भी होते, इनके पिताजी भी, इनके माँ भी, इनके भाई भी हमारे पास यहाँ आए थे। वो जिसमें इश्तहार दिया जा रहा था, वो कहाँ धुकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये आप लोग जानते हैं। खबर है कि हाल ही में मांझी ने एनडीए में शामिल वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी से भी मुलाकात की थी। वहीं तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ तैयार महागठबंधन में मांझी का स्वागत है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से पूर्व सीएम बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं। हम इधर से लगातार गुजर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल पहले नहीं मिले। लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं, उनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं। ऐसा बात नहीं, तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आए सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना के बाद, जब लॉकडाउन खुला तब आकर के सोची कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस, और कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई चर्चा नहीं। इसमें जैसे है कि जितने भी यंग यूथ हैं, जितने लोग तमाम सामने आए, और जितने भी पुराने पॉलिटिशियन हैं वो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपना मार्गदर्शन देंगे तो आगे की पीढ़ी को हमें पता कैसे चलेगा कि आगे हम क्या स्टेप लेंगे, किस तरीके से फेस करेंगे। हम तो उस तरीके का एक, हमने उनको बताया कि इस तरीके का हम लोग का वो होना चाहिए, सब लोग आए उसमें। इस मुलाकात के सियासी मायने क्या हैं, इसको लेकर हर दिन नए दावे सामने आ रहे हैं। विपक्ष से एनडीए में टूट बता रहा है तो बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल ने इस मुलाकात को एनडीए में तेज प्रताप की एंट्री की कोशिश बताया। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव से भी तेज प्रताप दुखी हैं, इस वजह से भी मांझी से मुलाकात की है। हालांकि बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बीते दिन ही इस मुलाकात को शिष्टाचार की मुलाकात बताया था। उन्होंने इसके सियासी मायने होने की संभावनाओं को खारिज किया था। प्रताप जी जब मंत्री थे कभी अस्पताल नहीं गए, अब उनको सदबुद्धि आई है तो हो सकता है कि सीधे एनडीए में आने में उनको दिक्कत महसूस हो रही हो, इसलिए जीतन राम मांझी जी से मिल रहा हूँ। अच्छी बात है, सदबुद्धि जब भी आ जाए एक बढ़िया रहता है। और एनडीए के घटक हैं माननीय मांझी जी, उनके दल में जो भी शामिल होंगे उनका हार्दिक स्वागत है। हम माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय मुकेश सहनी और माननीय
हमारे लिए और मेरा सभी का अपना दल है, उसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होता है तो उस दल के अध्यक्ष तय करते हैं, पर इतने सीनियर व्यक्ति हैं और उनके पास अपने पिताजी के जन्मदिन के दिन आशीर्वाद लेने गए थे, तो अगर वो चाहेंगे कि हम एनडीए में शामिल होना तो किसी का भी स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं, जो मुद्दे हैं वो तो हैं और मैं आभारी हूँ। मैंने यही कहा था कि व्यासी का जो मुद्दा हुआ था, वहाँ पे जो दलितों के साथ अत्याचार हुआ था, उस तरह की घटनाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया और जो अपराधी थे उनको सजा दिलाई गई। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति बिहार में कहीं नहीं हो, यह देखना हम सभी का कर्तव्य है। बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। बीते दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के जन्मदिन पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक ही जीतन राम मांझी से मिलने उनके घर पहुंच गए। आधे घंटे चली इस लंबी मुलाकात के बाद जब दोनों नेता बाहर निकले तो उन्होंने किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा से इनकार कर दिया। रंग लाएगी मांझी और तेज प्रताप यादव की मुलाकात। मांझी तेज प्रताप मुलाकात से सियासत तेज। एनडीए की नैया डोलेगी क्या? मांझी और लालू मिलकर क्या पका रहे हैं खिचड़ी? मतभेद और मनभेद में छिपा है राज। मांझी और तेज प्रताप भले ही किसी राजनीतिक बात से इनकार कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने में चर्चा यही है कि लालू यादव की जेल से बाहर आने के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। मांझी और सैनी के बयानबाजी से भी यह साफ है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन फिलहाल बिहार विधानसभा का अंगणित ऐसा है कि लालू यादव के लिए बिहार में सियासी उठापटक करना आसान नहीं होगा। डेस्क रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, नोएडा। एक तरफ मुलाकात पर सियासत तो जारी ही थी, लेकिन संजय जायसवाल के बयान ने भी आज के दिन बहुत कुछ बयां कर दिया। आज के दिन चितरंजन गगन नेता आरजेडी से, विवेकानंद पासवान बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चितरंजन जी, विवेकानंद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। चितरंजन जी, क्या लग रहा है, लालू जी आ गए तो अब खेला होकर ही रहेगा क्या बिहार में? कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या? देखिए, जो स्थिति है बिहार में, खेला तो होना है। बंगाल में खेला हो गया, बिहार में खेला होगा, फिर उसके बाद में यूपी में खेला होगा, खेला तो होगा। तो सर, क्या जो मुलाकात हुई तेज प्रताप यादव की जीतन राम मांझी की चितरंजन गगन जी, कल के दिन क्या पूरी तैयारी बन गई है कि आगे कैसे कदम फूक फूक कर रखा जाएगा, लेकिन मीडिया के सामने क्या बातें करनी है? देखिए, या तो कल ऐसे व्यक्तिगत मुलाकात थी, लेकिन कोई भी राजनीतिक मुलाकात भी होती है ऐसी बातों को तो थोड़े लोग कहता है कि हाँ साहब हम इसलिए मिले हैं और राजनीतिक चर्चा हुई है। जब दो राजनीतिक व्यक्ति बैठता है एक साथ तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक चर्चा होती ही है। और जितन राम मांझी जी का जो विचार रहा है, जो उनके संघर्ष का मुद्दा रहा है, जिन सवालों को लेकर वे लड़ते रहे हैं, वो तो सब आरजेडी से मिलता जुलता है। एनडीए में तो उस सही ढंग से अपने को जिस ढंग से एनडीए की सरकार बिहार में हर मोर्चे पर फेलियर साबित हुई है, जनता का विश्वास इससे जो जिसकी अभिरुचि होगी बिहार के प्रति, बिहार के प्रति संवेदनशील होगा, वह तो निश्चित रूप से एनडीए में नहीं जाना चाहेगा। वह तो चाहेगा कि ऐसा वैसी सरकार बने जो बिहार के बारे में सोचे, बिहार के हित के बारे में सोचे। अगर कुछ होता है तो स्वयं को आश्चर्य की बात नहीं है, और होना तो है, खेला तो होगा बिहार में। चलिए विवेकानंद जी, खेला होने वाला है बिहार में, जिस तरह से चितरंजन गगन बोल रहे हैं, और खेला के लिए तैयार रहिए आप लोग, क्योंकि कल के दिन मुलाकात मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, इनके बदले हुए सिर बीजेपी पर लगातार हमलावर। वो खेला था अपहरण का, वो खेला था बेरोजगारी का, वो खेला था बिहार में जर्जर सड़क का, अब उसका खेला होने वाला नहीं है।
बिहार का जनता विगत चुनाव में उसे नकार दिया है। रहा तेज प्रताप और माझी जी का मिलन, तो तेज प्रताप को अपने दल में कोई गंभीरता से नहीं लेता है, न उसका छोटा भाई जो तेजस्वी है वो भी गंभीरता से नहीं लेता है, वो अब असहज महसूस करता है। इसीलिए हो सकता है एनडीए के गाड़ी चल चुकी है। अगर हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं जो तेज प्रताप जी आना चाहते हैं, माझी जी एनडीए के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं और एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वैसे भी तेजस्वी के और अपरिपक्वता के कारण बहुत महागठबंधन के विधायक एनडीए के संपर्क में है, इसीलिए मैं कहूंगा जो विवेकानंद जी सर, आप संजय जायसवाल के बयानों पर आप जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। सर एनडीए में शामिल होने के लिए मांझी जी से ही मुलाकात क्यों करेंगे सर वो? और लालू जी हैं अभी घर में, लालू जी आपको लगता है इतनी आसानी से कह देंगे और वो चले जाएंगे? ऐसा नहीं है, तेज प्रताप को कोई गंभीरता से न उसके परिवार में लेता है न पार्टी में लेता है, इसीलिए वो असहज महसूस करता है। हो सकता है मांझी जी से आशीर्वाद लेने गए हों, जो बाबा हमको, हम तो विधायक बन गए हैं लेकिन हमें कोई पूछ है नहीं, आप एनडीए में ले आइए, अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है। लेकिन चितरंजन गगन, जो लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त बिहार में, जीतन राम मांझी का जो झुकाव हम देख रहे हैं आरजेडी की तरफ, महागठबंधन की तरफ, जो प्रेम एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, ये इशारा करता है क्या कि हाँ वो शामिल हो सकते हैं महागठबंधन में? मुकेश सहनी शामिल हो सकते हैं क्या? समीकरण को किस नजरिए से आप देख रहे हैं, क्या हो सकता है आने वाले समय में और कितनी सीटें आपको वापस मिल सकती हैं? देखिए सागर जी, अभी विवेकानंद जी भी बोल रहे थे और संजय जायसवाल जी का भी सुने, लेकिन संजय जायसवाल जी खुद एक बार नहीं कई बार बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर चुके, चाहे वह लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, का सिस्टम हो, एडुकेशन का मामला हो, संजय जायसवाल जी भी खुद सवाल उठा चुके और उनके विधायक भी सवाल उठा चुके। तो जो सो यह केवल मांझी जी का सवाल नहीं है, एनडीए जनता दल और भाजपा बार्गेनिंग की राजनीति, एक दूसरे पर दबाव की राजनीति, छल छल की राजनीति, और उसके बाद ये लोग महसूस कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से नाराजगी है इस सरकार के प्रति। अभी विवेकानंद जी चर्चा कर रहे थे अपहरण और क्या और क्या, ये लोग को एक रटा रटाया हुआ कहानी और सिद्धा जो है 16 साल से वही रटते रहे हैं, सारा कलई खुल गया। लालू जी के राज में, राबड़ी जी के राज में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल खोले गए थे में सबके सब बंद हो गए, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, विद्यालय खोले गए थे अभी पिछड़ों के टोला में दलितों के टोला में, फिर विद्यालय बंद हो गए। सड़क की बात करते हैं, सड़क की बात कौन सी सड़क की बात करते हैं, केवल पटना में बैठ कर और सचिवालय के एसी रूम में बैठ कर बिहार की तस्वीर इनको बहुत सुनहरा दिखाई पड़ता है। कभी जो है तो बिहार पटना से बाहर निकल कर देखे पासरी की स्थिति क्या है, आपने अभी देखा कोरोना की स्थिति में क्या हाल हुआ, एक दिन में 4,000 मृतकों की संख्या बढ़ाई जाती है। तो सवाल है कि संजय जायसवाल जी कह रहे थे कि तेज प्रताप जी आना चाहे तो, तेज प्रताप जी आना चाहे तो विद्यालय खोला, और ये क्या शिक्षा की बात करेंगे जो अपने पुत्र को भी नहीं पढ़ा सके इनके नेता? अरे चरवाहा विद्यालय खोले। और मैं सागर जी मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो बिहार के कोई भी जिला 5 घंटा के अंदर में राजधानी मुख्यालय पहुंच जाता है, एनडीए सरकार की देन है। विवेकानंद जी वो उसका लक्ष्य है विकास। सुनिए विवेकानंद जी, सवाल ये सर, विवेकानंद जी महागठबंधन के, सुन लीजिए सर, विवेकानंद जी एनडीए के गाड़ी चल चुकी है, और विवेकानंद जी सुनिए, गगन जी सुनिए, विवेकानंद जी आप जो एनडीए की बात आप कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा है,
वही जीतन राम मांझी जिनको आप कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत सम्मानीय नेता है, एनडीए में है, वो कोई टूट नहीं है, सर 5 साल चलेगा। सुनिए विवेकानंद जी, लगातार उनका ट्वीट पर ट्वीट, हम के प्रवक्ता दानिश जी का ये कहना कि कुछ आप ही के पार्टी के नेता हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष को एक मौका मिल रहा है, और जो ट्वीट आ रहा है जीतन राम मांझी का, वो लगातार बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं ट्वीट में, चाहे पीएम मोदी का जिक्र करें या बिहार में बीजेपी की हम बात करें, हर तरफ उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है इन ट्वीट के माध्यम से। ये समस्या को अपने नेतृत्व तक ले जाना, इसको क्या आप विरोध कहते हैं क्या, या ट्वीट को इसको ये सियासी मायने निकालना, इसको तो गलत बात है। अगर मांझी जी अगर अपनी बिहार के जनता के समस्या अपने नेतृत्व के पास रखता है तो क्या करते हैं, वो एनडीए के एक पार्ट है, वरिष्ठ लीडर है, वो उसको रखना ही चाहिए, ये जवाबदेही के साथ रखते हैं। और एनडीए चट्टान के तरह एक है। अच्छा जब सुनिए विवेकानंद जी, एक मैं सवाल इसी पर ले रहा हूँ सर, कुछ दिन पहले एक निर्दलीय नेता ने जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, जो विधायक थे, जब उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार की मैं एक एक करके पोल खोलूंगा, फिर उसके बाद पार्टी ने उनको क्यों सर हटा दिया, फिर उन पर क्यों एक्शन लिया गया, वो भी तो सर अपनी बातें उठा रहे थे ना, फिर वहां पर आपने एक्शन क्यों लिया? देखिए निजी महत्वाकांक्षा पर सियासत नहीं चलता है भाई साहब। उनका निजी महत्वाकांक्षा था, उन्होंने हमारे नेता के विरुद्ध, हमारे मुख्यमंत्री के विरुद्ध बयान दिया, पार्टी ने उस पर एक्शन लिया। और मैं इतना जरूर कहता हूं, जो विरोधी अपना मिंगेरी लाल के हसीन सपना देखना छोड़ दे, बिहार के जनता उन्हें नकार चुका है लगातार, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, और तेजस्वी के अपरिपक्वता के कारण बहुत नेता महागठबंधन के असहज महसूस कर रहे हैं और एनडीए के संपर्क में है। हो सकता है तेज प्रताप को भी गंभीरता से नहीं लेता है, इसीलिए वो एनडीए में गए हैं, एनडीए के लीडर से मिले हैं। अच्छा एक बार को अगर वीआईपी और हम के नेता अगर चले जाते हैं महागठबंधन में विवेकानंद जी, तो फिर क्या परिस्थितियां सामने आ जाएंगी, आपने उनके बारे में सोचा है, फिर क्या करेंगे आप? बात करते हैं भाई साहब, वही हम और वीआईपी के नेता, वही वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी का क्या कह के निकले थे कि मुझे पीठ में खंजर मारने का काम किया है और इस एनडीए ने उनको सम्मान दिया है। ठीक है चित्रंजन जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं चित्रंजन जी, लौट कर आऊंगा विवेकानंद जी आपके पास, बोलिए। सागर जी, मांझी जी की बात और सहनी जी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि संजय जायसवाल जी सवाल उठा चुके हैं बिहार सरकार के गवर्निंग पर, लॉ एंड ऑर्डर पर। उसके बाद में जो है सो उन्होंने कई मामले हैं जहाँ पर संजय जायसवाल जी सवाल उठा चुके हैं, आज तक एक नहीं कई नेता सवाल उठा चुके हैं, क्या बोलेंगे? अभी जो है सो जनता दल यू के तरफ से सवाल उठा विशेष राज का दर्जा देने का, तो यहाँ पे जो है नीतीश जी और इनके भाजपा नेतृत्व के बीच में जो है तालमेल नहीं है, तालमेल का अभाव है। वे उनके विधायक जो है आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों का कोई कदम नहीं है, कोई पूछा नहीं जाता है, नाराजगी वहाँ से आती है। और जो है दूसरे परिकर है तेजस्वी के खिलाफ में प्रधानमंत्री से लेकर और आधा दर्जन राज्य के मुख्यमंत्री 25 हेलीकॉप्टर यहाँ पटना में लैंड किया और सब धूल चटाने का काम किया तेजस्वी यादव, वो सपना तो ही लोग देखते हैं, बंगाल में सपना देख रहे थे, बंगाल में सपना देख रहे थे तो सपना क्या हुआ, सेना करके ममता बनर्जी बता दी, वही हाल बिहार में है। ऐसे ही नीतीश कुमार बड़ी सपना देखते थे, मेरे चेहरे पर जितने लोग आए हैं तो चेहरा दिखा दिया जनता उनको, किसके पत्ते में ले आया, 75 से ले आया, 40 पर ले आया, आधे 8 पर ले आया, तो जो तो सपना ही लोग देखते हैं, केवल लोगों को गुमराह करना। आज हजारों हजार की संख्या में बिहार में लोग मरे हैं, लोग इसको भूलने वाले हैं, कहीं दिखाई पड़ी है सरकार कहीं दिखाई पड़ रही थी, सरकार रहता तो क्या लाभ गिन पाते क्या? ऑक्सीजन का समस्या नहीं है हॉस्पिटल में, विकास का बेड का समस्या नहीं है, आज रिकवरी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है और बिहार पहला राज्य है
जो कोरोना से मौत बहुत होने वाले को 4 लाख रुपया उनके परिजनों को दिया जाता है, ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। कल्पना कीजिए जो आप बाहर नहीं निकलेगा, क्या जो हम बात करेंगे, सर जी की तरह लोग बात करते हैं। विवेकानंद जी, जो हालात हम देख रहे हैं इस वक्त बिहार में, संजय जायसवाल ने बेशक कहा कि तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग कर रहे हैं सर जीतन राम मांझी। उनकी इस मांगों को अगर नहीं माना गया तब तो और नाराज हो जाएंगे। मुकेश सैनी तो कह दिया कि जो हमारा फंड है विधायक वाला दे दीजिए, अगर केंद्र की तरफ से अगर राहत मिल रही है तो। सागर जी, जीतन राम मांझी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एनडीए के वरिष्ठ नेता है, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर वो कुछ मांग करते हैं अपने एनडीए में तो उससे उस पर विचार किया जाएगा, रखा जाएगा। उस निर्णय में जीतन राम मांझी भी रहेंगे और विचार किया जाएगा। अरे ये महागठबंधन के लोग परिवार तक सीमित के रह गए हैं, ये ब्याज विकास की बात करते हैं। जब इनको मौका मिला तो नौकरी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का काम कराने का काम किया, अपहरण कर। ठीक है ठीक है, विवेकानंद जी एक सवाल मेरा बता दीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने बोला कि अगर वैक्सीन पर अगर उनकी अगर फोटो आ रही है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी आ जाए, तो क्या ये मांग भी उनकी मान लेंगे क्या सर सत्ता में रखने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज विश्व पटल पर उनकी एक अलग पहचान। नहीं सर, पहचान नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, पहचान बहुत अच्छी है, मैं जान रहा हूँ। जो मैं सवाल किया कट टू कट, उस पर जवाब सर। ऐसा नहीं है, जो देखिए हमारे घटक दल बहुत, हमारे एनडीए के वो पार्ट हैं, जीतन राम मांझी लीडर हैं। ऐसा नहीं है जो सब बात उनके हर बात पर, उनके हर बात को एक्सक्यूज किया जाए। अभी आपने बोला कि उनकी हर बातों पर विचार किया जाएगा सर, अब आप कह रहे हैं उनकी हर बातों पर कैसे? हाँ तो विचार किया जाएगा, तो डेथ सर्टिफिकेट तो विचार चल रहा है क्या? नहीं, ये तो नेतृत्व तय करेंगे। मैं ये नेतृत्व के नेतृत्व का फैसला मैं पहले आपको कैसे बता दूं? नेतृत्व के हाथ में नहीं, अगर उन्होंने इस पर सवाल कर दिया कि डेथ सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं है और एनडीए में अगर बिहार की सरकार अगर चलानी है बिहार में एनडीए की, तब तो सर उस पर भी विचार करना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आदरणीय हैं सर वो। वही तेज प्रताप जगतानंद जी को बारे में कह रहे थे, जो जगतानंद जी के कारण हमारे सर फिर ट्रैक बदल गया सर, ट्रैक बदल गया सर, पिताजी जेल में है एक ट्रैक पर सर ये हमारी डिबेट सर एक ट्रैक पर होती है सर, कट टू कट जवाब और सवाल। चित्रंजन गगन आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है सर, जवाब पूरा दीजिएगा अगली बार जब सवाल होगा। चित्रंजन गगन, अगर जीतन राम मांझी अगर मुलाकात कर रहे हैं, अगर ट्वीट अगर कर रहे हैं, वो बार बार ये जता रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे जहन में प्यार है महागठबंधन के लिए। अब से कुछ देर पहले भी इसी मुद्दे पर हमने बातचीत की थी, हम पे प्रवक्ता युवा अध्यक्ष बैठे हुए थे डिबेट में, उनका ये कहना था कि आरजेडी फूट डालो शासन करने की सोच रही है और उनकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने वाली है, हमके प्रवक्ता ने बोला है। चित्रंजन गगन, देखिए हम लोग किसी को फूट नहीं डाल रहे हैं, ना फूट डालने का काम करते हैं। सीधा सवाल है, जनता का जो रिफ्लेक्शन होता है, कोई भी समझदार पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल लीडर हो, वह जनता के रिफ्लेक्शन पर निर्णय लेती है। बिहार में जो स्थिति है, बिहार में या अभी नीतीश कुमार की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, इतने बुरा तरीका से इसकी लोकप्रियता में हरास हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार जी हो, प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया है बिहार सरकार पर, क्षमता का आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के अक्षमता के कारण या वैक्सीनेशन जो है टीकाकरण का जिम्मेवारी केंद्र को लेना पड़ रहा है। नीतीश कुमार चुप रहे, बोले नहीं। अभी जनता दल के नेता द्वारा कहा गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो क्या है इन लोगों के बीच में? भाजपा और जनता दल के बीच में क्या हो रहा है? और जनता जो है वो सब देख रही है, तो जनता का जो रिफ्लेक्शन होता है उसका असर पड़ता है। और जीतन राम मांझी जी हम लोगों के अभिभावक है, सीनियर लीडर है, तो उनका जो आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को ये मानते हैं, गांधी लोहिया केपी और अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले वे लोग हैं, जिसको राजद मानती है, वह जो है सो वर्कर के सिद्धांत पर चलने वाले नहीं है। वह जो है मांझी जी जो है वो आरएसएस के नागपुर से कैंप से चलने वाले नहीं है,
स्वाभाविक रूप से है उनकी और हमारी निकटता जो है नेचुरल है, और उधर जो है सो परिस्थिति बस समाज गठबंधन में वो लोग हैं। इसलिए जो कुछ भी जो नेचुरल होता है और परिस्थिति दोनों में अंतर होता है। उधर परिस्थिति बस है जैसे भाजपा और जनता दल यू के बीच में जो ऐलान वह सत्ता के लिए कोई सिद्धांतिक नहीं है। जब इनको बार्गेन करना पड़ता है जनता दल को तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा याद कर जाता है। वह जो है अभी बाका के मामला हुआ या और कई जो सांप्रदायिक ढंग के जो मुद्दे उठाए गए भाजपा के द्वारा जनता दल के खिलाफ ने बोलना शुरू की, अब जनता दल कुछ करती है भाजपा खिलाफ करती है, तो वहां पर कहीं कुछ नहीं है, केवल अवसरवादिता की राजनीति वहां पर है। और इतना माधी जी लोग जो है परिपक्व लीडर, ठीक है गगन जी वक्त थोड़ा कम है, विवेकानंद जी मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए सर सियासत है आप भी जानते हैं सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कब पासा पलट जाए, कब किसके पक्ष में सत्ता चली जाए कोई नहीं जानता। आप चाहे मध्य प्रदेश आप देखिए या बेंगलुरु आप देखिए, कई राज्य आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर ऐसा बिहार में अगर हो जाए, क्योंकि देखिए सर किसी पर पकड़ तो है नहीं सर, तो फिर आप क्या करेंगे, बीजेपी उसके लिए क्या तैयार है, एनडीए तैयार है? बंगाल में जिसको ही बना हुए थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महागठबंधन के लोग सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं, वो बहाना सरकार के अस्थिर करने के लिए तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, चूंकि पूर्व में सत्ता के आड़ में इनको जो लूट खसोट करने की आदत बनी है इसके लिए ये लोग बेचैन है, जो इसको ये संभव होने वाला नहीं। बिहार के जनता के प्रति एनडीए समर्पित है और एनडीए को अपार बहुमत से बिहार का जनता बिहार में सरकार बनाया है, बिहार के जनता के प्रति ये सरकार 5 साल तक विकास और रोजगार के लिए समर्पित है। महागठबंधन ठीक है सर, विकास और रोजगार के लिए अगर समर्पित है सर तो उसी दिशा में काम भी किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता का विश्वास आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रंजन गगन आपका, विवेकानंद पासवान जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लालू के जन्मदिन पर कल के दिन एक जो अहम तस्वीरें देखी गई बिहार के अंदर, उन तस्वीरों को देखकर मायने तमाम निकाले जा रहे हैं। आज के दिन संजय जायसवाल का ऐसा बयान सामने आया, उन्होंने ये तक कह दिया कि तेज प्रताप यादव लगता है कि एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, क्या ये संभव है? देखना हम होगा कि आगे उठ किस करवट बैठेगा और सत्ता पक्ष क्या इसके आगे अब गुल खिलाती। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।